महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तुमने दूध पिलाया है मुझे पूतना, तुम्हें यह दंडवत करने की आवश्यकता रही। पूतना अपने नरेश पे बलिहारी जाए। हम एक बड़े संकट में हैं पूतना। आज्ञा दीजिए महाराज। मेरे एक शत्रु का वध कर सकोगी? मैं महाराज? हाँ, क्योंकि वो शत्रु एक दूध पीता हुआ बालक है। कौन बालक है वो? ये तो पता नहीं, पर ये पता अवश्य है कि वो गोकुल में है और कल रात ही उसने जन्म लिया है। परंतु ये भी तो हो सकता है महाराज कि कल रात गोकुल में एक से अधिक बालकों ने जन्म लिया हो। हाँ, ये संभव है। मुझे क्या आज्ञा है? ये सारे बालक मेरे शत्रु हैं, ये कार्य कर पाओगी पूतना? परंतु आप चिंता ना करें महाराज, मैं अपने वक्षस्थल पे मीठे विष का लेप लगाकर उन सभी बालकों को अपना दूध पिला दूंगी। अब इस दासी को आज्ञा दीजिए महाराज। ठीक है, जाओ। अरे अरे वैद्य काका, ये क्या कर रहे हैं? हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए। अरे रोहिणी बेटी। नमस्कार वैद्य काका। सब कुशल मंगल है ना? जी हाँ। अरे रे रे मेरा बलराम बेटा, अब समय मिला है आने का? बड़ी प्रतीक्षा करवाई रोहिणी बहन। क्या बताऊँ आपको मैं तो? मुझे कुछ मत बताओ। क्यों? जो कुछ कहना है यशोदा से जाकर कहो। बहुत रूठी हुई है तुमसे। अच्छा। आइए। रोहिणी बहन। हाँ? कल तो उत्सव में बड़ा आनंद आया। अच्छा। हाँ, वो देखिए तो। आई हूँ अपनी इस नन्हे को देखने। मैं तो कब से आंखें बिछाए हुए थी कि अब आएंगी रोहिणी बहन, तब आएंगी रोहिणी बहन। बड़ी राह दिखाई। मैं मथुरा थी दीदी, अभी आई। ये देखो, मैं कान्हा के लिए मोर पंखे मुकुट लाई हूँ। सुंदर है। अरे रोहिणी बहन, कल आती तो देखती पूरा गोकुल गांव आनंद से झूम उठा था। क्या उत्सव हुआ है यहाँ का? उत्सव मथुरा के द्वार खटखटा रहा है भाई जी। आनंद का स्वर थोड़ा धीमा होना चाहिए था। अब इतने दिनों के बाद तो यशोदा की गोद हरी हुई है। मैं गोकुल गांव में किस किस से कहूँ, कैसे कहूँ कि गोविंद के आने का उत्सव न मनाए? हाँ, बधाई हो नंद राय जी, बधाई हो नंद राय जी। प्रणाम नंद राय जी। प्रणाम काका। अरे अरे अरे, ये क्या काका? नंदलाल के लिए माखन लाया हूँ। बधाई हो नंद रानी जी, बधाई हो। आपको भी बधाई हो काका। मैंने आज भोर होते होते एक सपना देखा है। यशोदा का लल्ला मुझसे कहता है,
दादा मुझे माखन खिलाओ, मुझे माखन खिलाओ। तो माखन लाया हूँ काना के लिए। अरे क्या बात है, आज माखन मथुरा नहीं ले जाना क्या? आज का माखन तो नंदलाल के लिए है। हाँ, कल रात नंदलाल मेरे सपने में आकर माखन मांग गए थे, इसे तनिक माखन चटा दो नंदरानी जी। लो, चाट लिया नंदलाल ने। अरे, ये क्या हुआ? बेचारे सुखाराम के बेटे का देहांत हो गया। वो कैसे? किसी ने दूध में विष मिला दिया। हे भगवान। कौन मिलाता है दूध में विष? नंदराय जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। अब आप ही कुछ कीजिए नंदराय जी। अब तो मथा के वैद्यराज को भी दिखलाया गया, पर ये रोग उनकी समझ में भी नहीं आया जो दूध पीते बच्चों के प्राण हरण कर रहा है। वैद्य काका, एक बात समझ में नहीं आ रही, यमराज की दृष्टि उन्हीं बच्चों पर क्यों पड़ रही है जो मेरी यशोदा के काना के साथ जन्मे हैं? ये बात तो हमने सोची भी नहीं थी, पर बात तो ठीक ही है। सुखानंद, राम अवतार, माधव, बजरंगी और राम खिलावन, इन सबके बच्चे तो उसी रात को ही जन्मे थे। हाँ, इसका भेद क्या है नंदराय जी? अब मैं क्या बताऊं, तुम तो हमारे मुखिया हो, अब उपाय तो तुम ही को सोचना पड़ेगा नंदराय जी। पर उस रात के जन्मे हुए बच्चों में से अब रही कितने गए? बस अब समझिए, एक मेरा लल्ला और एक मेरा। हाँ, महाराज की जय हो। आओ महामंत्री। बधाई हो महाराज, उस रात जन्मे हुए सारे बच्चों में से अब केवल दो ही बालक रह गए हैं। किसके? एक रामनेत्र यादव का और दूसरा नंदराय का। कल सवेरे पूतना अपना कार्य समाप्त करके ही लौटेगी।
अरे यशोदा रानी, अरे ओ कान्हा की मैया, कान्हा की मैया। तनिक धीरे बोलो जी, मेरी लल्ला की नींद कच्ची है, कोई बोला नहीं कि कमल जैसी आंखियां खुली नहीं। सच बोलो जी, ऐसो लल्ला देखो है कहीं, ऐसो लल्ला है कहीं, देखो है कहीं। अरे देखूंगा कैसे, तुम्हारे लल्ला जैसा लल्ला आज तक जन्मा है हा? जानती हो यशोदा, हम तो क्या, सारा गोकुल गांव धन्य हो गया इसके आने से। बस तनिक बढ़ जाने तो, मैं तो माखन पपा लूंगी लल्ला को। अरे माखन लल्ला को ही खिलाती रहोगी तो राजभवन में क्या भेजेंगे? जानती हो राजभवन के कर लदे हुए हैं हमारे ऊपर। राजभवन को और माखन चाहिए तो और गायें पलवा ले। हाँ। माँ का प्यार राज के कारोबार कैसे समझे हा? नंदराज जी, क्या हुआ? राम नेत्र का पुत्र मर गया। नंदराज जी, नंदराज जी, नंदराज जी, क्या बात है भैया? राम नेत्र का पुत्र भी चल बसा। वो कैसे हुआ? वही कारण, दूध में विष। ये कैसा अनर्थ हो गया? अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। जी, क्या हुआ जी? राम नेत्र का पुत्र भी चल बसा। ये कैसी महामारी है कान्हा के बापू, एक एक करके कान्हा के साथ के सारे बच्चे चले गए, उसके साथ तो कोई खेलने वाला ही नहीं रहेगा। Thank you.
से ही पूछ लो ना ये बात यशोदा, माँ को चिंतित होने में देर थोड़ी ही लगती है। काना, कहाँ है मेरा काना? मेरा काना कहाँ चला गया? काना, काना, कौन? काना मेरा लल्ला कहाँ चला गया? काना, अब यशोदा ढूंढते हैं। नंदराजी, काना, उस राक्षसी के पास। काना, अब यशोदा चली। लल्ला, काना, मेरा लल्ला। काना लल्ला, नंदराज जी, वो देखिए काना, काना, मेरा काना, मेरा काना, काना, लल्ला, काना, काना, मेरा काना, हाँ, ये शुदा, काना, काना, मेरा लल्ला, काना, मेरा काना ये तो पूतना है। पूतना कौन? कंस की दाई। कंस की दाई? कंस की दाई?